हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था 10। चैप्टर 10 में मैं आपको थोड़ा सा करा चुकी हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमारा क्या आता है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, जो इसके बाद आएगा, बीच में क्रॉस होता है। तो स्केलर का मतलब हमारा होता है डॉट, और क्रॉस अलग होता है, स्केलर अलग होता है। डॉट का मतलब यहां मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई अलग, डॉट अलग, दोनों चीजें डिफरेंट है हमारी वेक्टर में। तो यहां पे हमारे दो नॉन जीरो वेक्टर होंगे ए एंड बी। तो स्केलर जो प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वो हम इस तरह से इसको लिखते हैं, और उसको हम जो हमारी डेफिनेशन है उसमें हम डिफाइन कैसे करते हैं कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। दोनों मतलब तीनों मल्टीप्लाई में होते हैं, ये हमारा नॉर्मल वाला है। तो ए डॉट बी हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या होता है हमारा कोस थीटा। अब इसके ऊपर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है कि इफ आइदर ए इज जीरो, वेक्टर ए इज जीरो और वेक्टर बी इज जीरो, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। अगर दोनों वेक्टर में से एक वेक्टर हमारा जीरो है तो हमारा थीटा मतलब एंगल डिफाइंड नहीं होता। एंड इन केस ऑफ वी फाइंड, और उस केस में हमारा ए डॉट बी क्या होता है, जीरो होता है। इस पे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है कि ए डॉट बी हमारा क्या होता है, दैट इज अ स्केलर, स्केलर और अ रियल नंबर। मतलब अगर हम दो वेक्टर को, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर कोई हमारे पास नंबर आता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए डॉट बी, वेक्टर और वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। तो इफ एंड ओनली इफ का ये वाला साइन होता है, एक तरफ जो साइन होता है वो एम्प्लाइज का होता है, एम्प्लाइज मतलब अगर ये है तो वो होगा, लेकिन अगर दोनों तरफ हमारे पास ये वाला साइन आता है एरो वाला, तो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, और इसका मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट हमारी दोनों तरफ से चलती है। ये गिवन है तो इधर वाली स्टेटमेंट होगी, इधर वाली स्टेटमेंट है तो ये वाला होगा। तो ये कब होगा, जब दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। वेक्टर ए और बी हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा जीरो है तो मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और अगर दोनों परपेंडिकुलर दे रखा है तो इट मींस उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, इफ थीटा इज जीरो, ये तो हमारा क्या हो गया, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब थीटा हमारा 90 है, अगर हमारा थीटा दे रखा है जीरो, तो हमारा ए डॉट बी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि कोस थीटा, कोस जीरो अगर हम थीटा की वैल्यू रखते हैं तो वहां पे हमारा आंसर क्या आता है, वन आता है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वन, सॉरी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा सिर्फ क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर हम सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब बिना मैग्नीट्यूड के, अगर सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर हमारा यहां पे तो हमारा जीरो था, अगर थीटा हमारा पाई दे रखा है तो हमारा दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो होगा क्या होगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर हमारा जीरो है
तो सिर्फ हमारे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर हमारा थीटा पाई है तो वहां पे हमारा क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी मल्टीप्लाई के लिए प्रॉपर्टी है, दैट इज अगर हम आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करें या फिर जे कैप को जे कैप से डॉट प्रोडक्ट लें या फिर के कैप को के से अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर वन आता है। मतलब डॉट प्रोडक्ट में अगर एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर, मतलब आई को आई से, जे को जे को और के से के को के से, अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, वन होता है। अगर हम इनको अपोजिट से लें, लाइक आई को जे से ले, जे को के से ले या के को आई से ले, तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब इफ आई को जे से ले और जे को के से ले और के को आई से ले, या किसी भी ऑर्डर में ले, उसमें फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर डिफरेंट होते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय, मतलब अगर हमें एंगल निकालना है, मतलब कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में हमारा कोस थीटा होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारा साइन थीटा होता है। तो यहां हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो कोस थीटा हमारा क्या होगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये हमारा क्या होता है, कोस थीटा होता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब चाहे मैं ए डॉट बी निकालू या बी डॉट ए निकालू, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, किसी भी ऑर्डर में मैं मल्टीप्लाई करूं, आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, स्केलर प्रोडक्ट की, या फिर वी कैन से डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी दे रखी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, मतलब ए डॉट बी प्लस सी, ये हमारा किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हमारी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हो गई। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर हम एक स्केलर और वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट उसका निकालें, तो स्केलर हमारा डिफरेंट हो जाएगा और दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको मतलब एक आपको एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, जब हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। चलो पहले, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सारे प्रॉपर्टीज और फॉर्मुलेस बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जब भी हम प्रोजेक्शन निकालते हैं ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, तो सपोज करो कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसका एक सिंपल सा और बहुत इजी सा मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 444 पे दे रखा है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन द अदर वेक्टर बी, दूसरे वेक्टर बी पे हमें उसका प्रोजेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जब हम प्रोजेक्शन निकालेंगे तो इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है। पहला क्या होता है कि जो भी हमारा वेक्टर दे रखा है उसको सेम लेते हैं, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ बी का, मतलब जिस पे हमें निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लेंगे। बुक में जो फॉर्मूला है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ ड्राइव करके। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, तो जब हम बी पे उसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकाल रहे हैं तो मतलब उसका हमें क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। तो यहां से यूनिट वेक्टर का अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो ये किसके इक्वल होगा कि वेक्टर ए डॉट, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ऊपर उसी का वेक्टर आता है, नीचे उसका क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है। तो बुक में आपका फॉर्मूला ये वाला गिवन है, लेकिन मैं जो आपको याद करने के लिए बोल रही हूँ वो ये है, मतलब इट्स अ ट्रिक कि
जिस वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके यूनिट वेक्टर के साथ हम क्या करते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये तो आपका बुक में फॉर्मूला गिवन है, लाइक ये ऐसे दे रखा है ए डॉट बी, दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, और जिसपे हमारा प्रोजेक्शन होता है उसका नीचे हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। लेकिन मैं आपको रिमाइंड करने के लिए क्या बता रही हूं कि आपको याद रहे कि जिस वेक्टर का हमें एक प्रोजेक्शन निकालना है ऑफ अ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, तो उस वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ऑन द वेक्टर बी उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो चाहे तो आप उसको इस तरीके से याद रखो या सिंपल फॉर्मूला याद रखो, वो दैट्स डिपेंड ऑन यू। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताती हूं। इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, कि यहां पे सपोज करो दोनों के बीच में एंगल हमारा क्या है, जीरो है, देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी वेक्टर ए बी इटसेल्फ, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, सिचुएशन है अगर हमारा एंगल क्या है जीरो है तो उसका प्रोजेक्शन उस पर इटसेल्फ होता है। लेकिन अगर हमारा एंगल क्या दे रखा है, पाई दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है, तो उसका प्रोजेक्शन हमारा क्या होगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एबी जो हमारा वेक्टर है उसका अपोजिट बीए हो जाएगा, और बीए को वी कैन राइट माइनस ऑफ एबी। तो ये हमारा क्या हो गया, पाई की सिचुएशन में हो गया, जीरो में इटसेल्फ होता है, पाई में क्या होता है नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ होता है। उसके बाद अगर हमारा सपोज करो थीटा दे रखा है पाई बाय टू और 3π/2, तो वहां पे हमारा प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी जीरो वेक्टर, तो वहां हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो वेक्टर आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं प्रॉपर्टी ले रही हूं वो इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज हो गई है, तो इस एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चंस लेती हूं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर हमारा दे रखा है, वेक्टर ए इज गिवन एंड वेक्टर बी इज गिवन विद मैग्नीट्यूड √3 एंड √2। तो यहां पे सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूं, तो फॉर्मूला जो हमारा था दैट इज कोस थीटा इज इक्वल टू दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट, और नीचे हमारा क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है। अब यहां पे हमें गिवन क्या है, विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड √2, मतलब ए का जो हमारा मैग्नीट्यूड है दैट इज √3 और बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 2 रेस्पेक्टिवली, हैविंग ए डॉट बी इज इक्वल टू √6 और ए डॉट बी हमारा कितना दे रखा है √6। तो ये सारी वैल्यूज मैं अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो यहां से हमारा क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी हमारा √6 दे रखा है और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा √3 है और ये हमारा कितना है 2। इसको कैंसिल मैं अगर करती हूँ तो कैंसिल करने पर हमारा क्या आएगा, इसको कैंसिल करती हूँ तो हमारा आएगा √2, इसको कैंसिल करती हूँ तो ये हमारा आएगा नीचे पे 1/√2। और cos थीटा 1/√2 कब होता है, जब हमारा एंगल कितना होता है 45 डिग्री, तो यहां से हमारा थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और वी कैन राइट इट π/4। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो हमें डायरेक्टली सारी चीजें गिवन थी, अब हम उस सिचुएशन पे चलते हैं जब हमें सारी चीजें गिवन नहीं होती है। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर हमें गिवन है, तो पहले को मैं वेक्टर ए ले लेती हूं, तो वेक्टर ए हमारा दे रखा है i-2j प्लस का 3k और दूसरा वेक्टर हमारा दे रखा है वेक्टर b इज इक्वल टू 3i प्लस 2j एंड माइनस का k। अब हमें क्या करना होगा, सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, वी हैव टू फाइंड ऑल द थिंग्स, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकालना है।
तो यहां से सबसे पहले मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालती हूं। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि आई वाले कोफिशियंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले कोफिशियंट को जे से मल्टीप्लाई करते हैं और के वाले कोफिशियंट को के से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अदर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर क्या होता है, जीरो होता है। मतलब आई को जे से, यहाँ पे आई को आई से, आई को जे से, आई के से, तो आई वाला तो होगा आई स्क्वायर तो वन होता है, लेकिन आई को जब आप जे से करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का जो हमारा रूल होता है उसका रूल क्या होता है कि हम सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन। तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका कोफिशियंट वन है, वन इंटू थ्री प्लस यहां हमारा कितना है माइनस टू और यहां कितना है प्लस टू, प्लस यहां पे करूंगी तो थ्री इंटू माइनस वन, क्योंकि आई 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 स्क्वायर वन होता है। ये आप इलेवेंथ में भी पढ़ चुके हो, कौन से चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ चुके हो कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है, वन होती है। और यहां मैंने आपको बताया सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर होता है, वन होता है, डिफरेंट से करते हो तो जीरो होता है। तो मतलब डिफरेंट से तो हमें करना ही नहीं है, सेम को सेम से करेंगे। तो यहां मैं आपको एक स्टेप करके दिखा रही हूं, बट एग्जाम में आप डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये वाला स्टेप आपको दिखाने की जरूरत नहीं। तो यहां से आंसर क्या आया, वन इंटू थ्री थ्री, माइनस टू टू, माइनस फोर, और यहां प्लस से करेंगे तो यह आ गया माइनस फोर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस थ्री वन जा थ्री। तो ये तो हमारा पार्ट कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आया माइनस फोर आया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कहीं गड़बड़ हुई है क्या क्वेश्चन में, जस्ट वेट, वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस फोर माइनस थ्री, जस्ट वेट, थ्री माइनस टू जे माइनस टू जे, मैंने यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, ये हमारा माइनस का टू था, ये हमारा माइनस टू हुआ, ये हमारा प्लस फोर हो गया। अभी भी कहीं पे मेरे साइन में गड़बड़ आ रही है, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, थ्री आई माइनस टू जे प्लस का के, ये हमारा प्लस था, तो ये हमारा प्लस आएगा, तो ये प्लस का थ्री होगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये हमारा थ्री, ये हमारा थ्री, और इन पूरे को ऐड करके हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू टेन। उसके बाद हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जब मैं निकालूंगी तो इनके कोफिशियंट का स्क्वायर करूंगी, वन स्क्वायर वन प्लस माइनस टू स्क्वायर फोर प्लस थ्री स्क्वायर नाइन, तो ये हमारा हो जाएगा रूट फोर्टीन। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालूंगी तो ये हमारा हो गया थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस वन का स्क्वायर वन इसका स्क्वायर रूट, तो ये भी हमारा कितना हो गया रूट फोर्टीन। निकालना क्या था, हमें एंगल निकालना था, तो एंगल का फॉर्मूला लगाऊंगी तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी हमारा कितना आया टेन, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज रूट फोर्टीन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू रूट फोर्टीन, तो आंसर इज टेन अपॉन रूट सॉरी टेन अपॉन ओनली फोर्टीन। कैंसिल करूंगी टू फाइव जा टू सेवन जा, तो हमारा क्या आ गया फाइव अपॉन सेवन। लेकिन हमें निकालना क्या है एंगल, मतलब थीटा, तो थीटा जब निकालूंगी तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ फाइव बाई सेवन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने देखा था उसमें हमें सारी वैल्यूज एज इट इज गिवन थी, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमें वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है और हमें बाकी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो प्रोजेक्शन का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई माइनस जे ऑन द वेक्टर आई प्लस जी। तो यहां ऑन मैं लिख रही हूं ताकि हमें थोड़ा सा इजी रहे। तो ये हमारा क्या हो गया वेक्टर ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया वेक्टर बी हो गया, दिस इज अवर वेक्टर ए दिस इज अवर वेक्टर बी। और जब हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो वर्ड्स में आपको लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, ये आप खुद लिखोगे,
यहां मैं सोल्व कर रही हूं, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, और वी कैन राइट इट कि दोनों का हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, और नीचे ओन वाले का ही हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो यहां पे सबसे पहले हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और नीचे हमें सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां वैल्यूज मैं फाइंड करती हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो हमारा क्या हो गया, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू रूट टू। और अगर मैं यहां पे क्या निकालती हूं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालती हूं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, ए डॉट बी, दैट इज इक्वल टू वन माइनस वन। यहां मैं डायरेक्टली सोल्व कर रही हूं, वन इंटू वन वन, माइनस वन इंटू प्लस वन, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वन। तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, जीरो। तो यहां से ये क्या आएगा, हमारा जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू जीरो अपॉन रूट टू, और जीरो अपॉन रूट टू इज जीरो। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस, ये सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, कि जो भी हमारे तीनों वेक्टर दे रखे हैं वो हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में हमारा क्या होता है कि उनका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट वाला जो गिवन है, दैट इज मैं एक पार्ट सोल्व कराऊंगी, बाकी आप खुद करना। तो फर्स्ट वाला हमारा दे रखा है वन अपॉन सेवन इंटू टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के। सपोज करो कि ये हमारा वेक्टर गिवन है, तो जब मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगी, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैं इसका क्या निकालूंगी, सॉरी यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी, और मैग्नीट्यूड हमारा क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो यहां से जब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालूंगी, तो वन अपॉन सेवन तो हमारा क्या है, स्केलर है, बाकी इसका मैं निकालूंगी रूट में, तो ये हमारा क्या आएगा, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर। तो इट्स वन अपॉन सेवन, और रूट में करूंगी तो फोर नाइन प्लस थर्टी सिक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सेवन इंटू रूट फोर्टी नाइन। तो इट्स वन अपॉन सेवन इंटू सेवन, कैंसिल होके आंसर क्या आया, वन। मतलब उस वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज इक्वल टू वन। तो इट मीन्स इट्स अ यूनिट वेक्टर। तो एक पार्ट मैंने आपको सोल्व कराया, बाकी के दोनों पार्ट आप खुद सोल्व करोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इफ ए, यहां पे ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है फॉर टू और थ्री मार्क्स कि हमें शो करना है। यहां पे हमारा क्या दे रखा है, इफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, दैट इज इक्वल टू एट। ये हमारा गिवन है। एंड एक और कंडीशन हमारी गिवन है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एट टाइम्स ऑफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल है, और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए एंड बी। तो सबसे पहले तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ए को ए से करेंगे ए डॉट ए, फिर हम ए को बी से करेंगे प्लस माइनस माइनस, ये हमारा हो जाएगा ए डॉट बी, फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट ए, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट बी इज इक्वल टू एट। अब देखो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट का रूल बताया था कि सेम को सेम से मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो ये तो क्या हो गया, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। अब ए डॉट बी, सेम को सेम के साथ डॉट निकालते तो आंसर वन होता है, बट अपोजिट के साथ जब आप डॉट निकालोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो हमारा हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और यहां से हमारा बचा माइनस बी है, बी भी है, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू एट। अब यहां से हम इस कंडीशन को यूज करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एट टाइम्स, तो यहां मैं रख रही हूं एट टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमने वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखी, इसको स्क्वायर किया, माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एट, तो ये हमारा हो गया 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ
बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एट, तो ये हमारा हो गया 63। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हमारा कितना आया 8/63। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो वेक्टर में नेगेटिव वैल्यूज तो होती नहीं, तो यहां हम सीधे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगी तो ये हमारा हो जाएगा 2√2/63। और बी की वैल्यू जब आप यहां सबसे शूट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये ही हमें फाइंड करना था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवेल्युएट द प्रोडक्ट, तो उसमें नॉर्मली बस हमें प्रोडक्ट करना है, दैट क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, वो क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूं, या फिर आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास। उसके बाद मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड ईच सच एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, मतलब थीटा हमारा कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी तो हमारा कितना दे रखा है 1/2, और उनके बीच में एंगल दे रखा है मतलब थीटा हमारा कितना दे रखा है 60 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब एक कंडीशन हो रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये कंडीशन हमें गिवन है, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दोनों वेक्टर्स का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो फॉर्मूला क्या था हमारा, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, और ए डॉट बी हमारा कितना दे रखा है 1/2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों इक्वल है तो इसको मैंने क्या रख दिया वापस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कोस 60 हमारा कितना होता है 1/2 होता है, तो ये हो गया हमारा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन, ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, हाफ इधर पहले से है हाफ इधर है, तो ये कैंसिल होके हमारा क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा 1 के इक्वल, क्योंकि नेगेटिव तो हमारी होती नहीं मैग्नीट्यूड की वैल्यू, और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, तो यही हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा बिकॉज बोथ आर द सेम। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा कितना है 1 है, और हमारी कंडीशन गिवन है एक्स माइनस ए डॉट प्रोडक्ट दे रखा है हमारा एक्स प्लस ए के, दैट इज इक्वल टू 12। दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और कंडीशन हमारा क्या है कि जो ए हमारा यूनिट वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा कितना है 1। तो सबसे पहले आप इनका क्या निकालेंगे, हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर एक्स प्लस एक्स ए प्लस बी सॉरी माइनस ए एक्स माइनस ए इंटू ए इज इक्वल टू 12। तो ये दोनों पार्ट तो हमारे जीरो हो गए, और इन दोनों का हमारा क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस इसका हमारा क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये हमारा 1 दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो यहां से हमारा एक्स कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 13, तो ये हमारा आंसर आ गया। बाकी के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ। इसमें हमारे पास कितनी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट हमारा क्रॉस है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा इसमें से डिलीट हो गया है 4। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हमारे हो जाएगी, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो
तो इसी एक्सरसाइज को मैं कंटिन्यू करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी गिवन है सच दैट वेक्टर ए, पहले मैं लिख देती हूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस का 3k. वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस में k. एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i प्लस j एंड यही है हमारा. उसके बाद 3i प्लस जी हाँ आर सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा ऑफ वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी. और जब दो वेक्टर का परपेंडिकुलर गिवन होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, जीरो होता है. तो इसका परपेंडिकुलर दे रखा है वेक्टर सी से, मतलब इसका और इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा. तो उसके बाद हमें क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए प्लस लैम्डा बी निकालेंगे. तो ए प्लस मैं लैम्डा बी निकालती हूँ तो लैम्डा बी हमारा कितना होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आई प्लस टू लैम्डा जे प्लस का लैम्डा के. इसको और इसको मैं अगर ऐड करती हूँ तो ये हमारा हो गया टू माइनस लैम्डा आई प्लस टू लैम्डा जे प्लस में थ्री प्लस लैम्डा के. और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ. तो सी हमारा क्या है, थ्री आई प्लस जे. और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा. तो अब जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, आई वाले को आई के साथ, जे को जे के साथ और के साथ. अब यहाँ के की टर्म तो है नहीं, बट इट मीन्स वी कैन राइट इट जीरो के. और जीरो को इस किसी से भी मल्टीप्लाई करे जीरो ही रहेगा. तो हमें करना क्या है, सिर्फ कि आई और जे वाले को ही आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो आई वाले को मैं इससे करती हूँ. तो इधर आई वाले का हमारा क्या दे रखा है, टू माइनस लैम्डा. और इधर आई को थ्री दे रखा है तो थ्री को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, थ्री टू जो सिक्स माइनस थ्री लैम्डा. फिर हमारा क्या आएगा, प्लस जे का कोफिशियंट वन है, वन को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो टू प्लस टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से हमारा क्या आया, थ्री लैम्डा प्लस टू लैम्डा माइनस का लैम्डा, सिक्स प्लस टू एट इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एट. तो ये हमारा आंसर आ गया. इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. शो दैट वी हैव टू शो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर है इट मींस इसका और दूसरे वाले का डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जीरो. और दूसरा हमें क्या दे रखा है, दैट इज इक्वल टू, यहां सिर्फ माइनस साइन गिवन है बाकी टर्म सेम है. तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए. और दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब वी हैव टू शो दैट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब हमें दिखाना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा. फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, और ए और बी हमारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं. तो सबसे पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी. फिर हमारा आएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए. उसके बाद इसको इससे करूंगी तो ये आएगा प्लस बी ए और यहां से हमारा आया ए और बी. इसको इससे करूंगी तो ये हमारा आएगा माइनस बी ए और यहां हमारा आया बी और ए. अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, बी और बी ये भी हमारा क्या हो गया स्क्वायर। यहां से हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए ए, ये दोनों टर्म सेम है तो हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया क्योंकि बोथ आर द सेम। और डॉट प्रोडक्ट में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी, ए डॉट ए तो हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड बी ये भी हमारा क्या हो गया स्क्वायर, और ये दोनों भी कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया जीरो। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आया, इट मींस आंसर हमारा क्या होगा बोथ आर द परपेंडिकुलर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करोगे, वो सिर्फ हमारी स्टेटमेंट में है, इफ ए डॉट ए दोनों वेक्टर का अगर हमारा प्रोडक्ट जीरो है एंड ए डॉट बी भी हमारा जीरो है, गिवन क्या है कि ए डॉट ए दैट इज इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये पॉसिबल कब होगा, जब हमारा ए जीरो होगा। तो इसने हमें क्वेश्चन क्या रेज किया है, दैट इज देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के लिए हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, अदर देन जीरो भी हो सकता है क्योंकि ए तो जीरो है, बी कोई भी वेक्टर हो डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आएगा। तो ये ओनली हमारा स्टेटमेंट का था, तो ये क्वेश्चन आप लिखोगे खुद से करोगे। उसके बाद नेक्स्ट मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, तीनों हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, सच दैट, कंडीशन हमें गिवन है, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां मैं इम्पोर्टेंट लिख रही हूं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी तीनों का हमारा सम क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हमें फाइंड करना है। और गिवन क्या था कि तीनों ही हमारे यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी तीनों हमारा क्या है वन। अब देखो कि ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए आता कब है हमारा, जब हम अगर इसका होल स्क्वायर निकाले, होल स्क्वायर निकालते हैं तो दो दो का प्रोडक्ट आता है, तो इस कंडीशन को हम लेके चलेंगे और क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर, क्योंकि जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही रहता है। यहां जब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगी तो ये हमारा क्या आएगा मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर ए का होल स्क्वायर क्या होगा इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस दो दो का प्रोडक्ट आएगा तो टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, और ये किसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल। अब ये हमारे यूनिट वेक्टर है, मतलब तीनों की वैल्यूज हमारी क्या होगी वन होगी, तो ये हमारा हो गया वन का स्क्वायर, वन स्क्वायर, वन स्क्वायर, और यहां से मैं टू कॉमन ले रही हूं तो अंदर हमारा क्या बचेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो। अब वन प्लस वन तो थ्री हो गया, राइट में मैं शिफ्टिंग करती हूं तो ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो यहां से हमारा क्या आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। रिमेम्बर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको एग्जाम्पल देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करा रही, जस्टिफाई करना है, मैं उसके बाद आ रही हूं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इफ द वर्टिसेस एबीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर 1, 2, 3 जो भी हमारा गिवन है रेस्पेक्टिवली, देन वी हैव टू फाइंड एंगल एबीसी,
हमें क्या निकालना है, एंगल एबीसी निकालना है। तो एंगल एबीसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें क्या निकालना है, बीसी निकालना है। और बी सपोज करो ये हमारी ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमें ये दोनों साइड निकालनी पड़ेगी, मतलब कोस थीटा, थीटा इन दोनों साइड के बीच में इक्वल होगा, मतलब निकालना होगा। तो हम क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे और बी ए निकालेंगे। और यहां से हमारा दे रखा है वेक्टर ए के जो हमारे कोऑर्डिनेट है दैट इज 1 2 3, बी के जो कोऑर्डिनेट दे रखा है दैट इज इक्वल टू -1 0 0, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 0 1 एंड 2। ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो जब हम यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें क्या निकालना है, बीसी वेक्टर, और फिर हमें क्या निकालना है, वेक्टर बी। तो जब आप बीसी निकालोगे तो यहाँ आप फॉर्मूला यूज करोगे x2 - x1 वाला, तो 0 - -1, तो ये हमारा क्या आएगा, प्लस का आई आई माइनस 1 - 0 प्लस का जे 2 - 0 प्लस 2 के। तो ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर बीसी आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है, बी ए। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, सॉरी ये बी सी था हमारा, अब हमें निकालना है बी ए। तो बी ए निकालोगे 1 - -1 2i प्लस 2j प्लस का 3। तो ये हमारा क्या आ गया, बी ए आ गया। ये तो आपको आता ही है, या तो आप पोजीशन वेक्टर से निकालो या सीधा आप निकाल सकते हो, दोनों मेथड हमारे करेक्ट है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है कि जब हम एंगल निकालते हैं तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब बीसी डॉट बीए, और नीचे उनका दोनों का मैग्नीट्यूड आता है, बीसी का मैग्नीट्यूड और बीए का मैग्नीट्यूड। तो ये चीजें हमें फाइंड करनी है। तो इन दोनों का पहले मैं डॉट प्रोडक्ट निकालती हूँ, तो बीसी डॉट बी ए, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो या अलग से वैल्यू निकाल के रखो, दैट्स डिपेंड ऑन यू। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 × 2 2 प्लस 2 प्लस का 6, ये हमारा आ गया 10। तो यहां से ये हमारा क्या हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 10, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा कितना आया, 10। अब हम इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो बीसी का मैग्नीट्यूड हमारा आएगा 1² + 1² + 2², तो ये आ गया 4, 5, 6, तो ये हमारा आ गया √6। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √6। अब इसका मैं निकालती हूँ मैग्नीट्यूड, तो बी ए का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 2² + 2² = 3², तो ये हमारा हो गया 4 + 4 + 9, और ये हो गया हमारा सॉरी √17। तो ये हमारा कितना आ गया, √17। तो यहां से हमारा क्या आया, कोस थीटा इज इक्वल टू 10 upon, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 = 42, 4 6 1 = 6, और 6 और 4 हमारा कितना हो गया, 10। और थीटा हमें निकालना है, तो थीटा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ 10 upon √102। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आपका बचा है क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। 18 आपका ऑप्शनल है, वो आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कोलिनियर है, तो कोलिनियर के पहले भी हम मेथड कर चुके हैं। दूसरा मेथड क्या होगा कि आप ए बी बी सी और सी ए तीनों का आप क्या निकालोगे, वेक्टर निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, और दो का सम अगर थर्ड के इक्वल आता है तो वो हमारा कोलिनियर है। दूसरा बाकी के और मेथड मैं आपको प्रीवियसली करा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, शो दैट द वेक्टर दिस 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 एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस दिखाने हैं, तीन आपको दे रखे हैं, मतलब तीन वर्टिसेस गिवन है। तो आप क्या करोगे कि तीनों एंगल का आप क्या निकालोगे, सॉरी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके भी करने के कई मेथड है, या तो आप इसी तरीके से कर सकते हो कि दो साइड निकालो, बीच में एंगल निकालो, उसको 90 डिग्री प्रूव कर दो, या फिर हम इसको पाइथागोरस से कर सकते हैं। पाइथागोरस से करने का जो हमारा मेथड है वो क्या होगा कि एबीसी तीन आपको वर्टिसेस गिवन है, तो आप क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एबी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी का स्क्वायर,
और मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए का स्क्वायर। और यहाँ आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो कि एक का स्क्वायर दो के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं 17 क्वेश्चन के लिए, या तो आप इस क्वेश्चन की तरह एंगल निकाल के करो कि आप एंगल 90 डिग्री दिखा दो, दो साइड निकालो, दो साइड के वेक्टर निकालो, उनका मैग्नीट्यूड निकालो, फॉर्मूला पुटअप करो, या दूसरा मेथड आपका क्या है कि हम तीनों का मैग्नीट्यूड निकाले और अपनी पाइथागोरस थ्योरम को वहां पे अप्लाई कर दे। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा वाला मेथड यूज करते हो। तो यहाँ पे हमारा स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। एक हमारा लास्ट प्रोडक्ट लास्ट टॉपिक बचा है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो गया, लास्ट टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।